नमस्कार। प्रतिवर्ष भूगोल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम भौतिक राजस्थान के भौतिक विभागों के बारे में पढ़ रहे थे। आज उसी श्रृंखला में हम तीसरा भौतिक विभाग पूर्वी मैदान के बारे में विस्तृत पढ़ेंगे। यह मैदानी भाग अरावली के पूर्व में स्थित है। इसका उत्तरी भाग यमुना के मैदान में मिला हुआ है। इस मैदानी भाग में भरतपुर, धौलपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, कोटा, बूंदी जिले के मैदान शामिल हैं। संपूर्ण प्रदेश राज्य का 24% भाग घेरे हुए है। उच्चावच एवं जलवायु की अनुकूलता के कारण यहाँ सांस्कृतिक विकास बहुत अधिक हुआ है। इस मैदान का ढाल पूर्व तथा उत्तर पूर्व की ओर है। इस मैदान का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। कहीं कहीं धरातल पर गोलाश्म चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े और गर्त भी पाए जाते हैं। इस प्रदेश को हम पुनः 4 उप प्रदेशों में विभक्त कर सकते हैं। पहला उपभाग है चंबल बेसिन। पहाड़ और पठारी स्थलाकृति इस मैदान की प्रमुख विशेषता है। यह क्षेत्र बाढ़ के मैदान, नदी कगार और बीहड़ से बना हुआ है। कोटा में चंबल और इसकी सहायक नदियों ने त्रिभुजाकार रूप में इस मैदान का निर्माण किया है। यह मैदान कांपी मिट्टी वाला क्षेत्र है और यह कृषि, उद्योग, परिवहन और सघन जनसंख्या के लिए अत्यंत उपयुक्त है। संपूर्ण चंबल क्षेत्र का विस्तार कोटा, बारा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिले की संबल घाटी में हुआ है। चंबल नदी के तटवर्ती भागों में बीहड़ों का विस्तार अधिक देखने को मिलता है। इस प्रदेश में कोटा से आगे की ओर बीहड़ों का आकार और उनकी गहराई उन भागों में अधिक है जहां मिट्टी तथा उसके नीचे की परत कमजोर और मुलायम होती है। स्पेट के अनुसार इन बीहड़ों का निर्माण पुनर्यौवन के कारण हुआ है। इस प्रदेश में 5 से 30 मीटर गहरे खड़युक्त बीहड़ भूमि को स्थानीय भाषा में खादर कहते हैं, जबकि उबड़ खाबड़ भूमि को डांग कहते हैं। ये क्षेत्र डाकुओं के आश्रय स्थल रहे हैं तथा कृषि और यातायात की दृष्टि से उपयुक्त नहीं माने जाते। दूसरा उपभाग है बनास बेसिन। जैसा कि नाम से विदित है, यह क्षेत्र बनास और इसकी सहायक नदियों के द्वारा बना हुआ है। इस मैदान के पूर्व में चंबल बेसिन और विंध्य पठार है। उत्तर में बाणगंगा का बेसिन है। पश्चिम में अरावली के पूर्वी ढाल है और दक्षिण में महान भारतीय जल विभाजक द्वारा यह घिरा हुआ है। इस प्रदेश में राजसमंद जिले का पूर्वी भाग, चित्तौड़गढ़ जिले का पश्चिमी भाग, भीलवाड़ा, टोंक और सवाई माधोपुर जिले का दक्षिणी भाग शामिल है। इस मैदान की औसत ऊंचाई 275 से 500 मीटर तक है। मैदान की सर्वाधिक ऊंचाई राजसमंद जिले में मिलती है। इस मैदान के धरातल पर कहीं कहीं टीलेनुमा पहाड़ियाँ विद्यमान हैं। वस्तुतः यह संप्राय या पीडमोंट टाइप का मैदान है। इस मैदान के धरातल पर विद्यमान स्थलाकृतियाँ ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से अपरदन से बनी हुई है। बनास बेसिन के पश्चिम से पूर्व की ओर मिट्टी की गहराई बढ़ती चली गई है। तीसरा उपभाग है माही बेसिन। यह मैदानी प्रदेश उदयपुर के दक्षिणी पूर्वी भाग, डूंगरपुर के पूर्वी भाग, चित्तौड़गढ़ के दक्षिणी भाग और बांसवाड़ा जिले में विस्तृत है। इस मैदान में माही और इसकी सहायक नदियां प्रवाहित होती है। यह प्रदेश 56 गांवों का समूह होने के कारण इसे 56 का मैदान भी कहते हैं। इस मैदानी भाग में बहते हुए जल के अपरदन कार्य से निर्मित स्थल रूप अधिक देखने को मिलते हैं। यह मैदान समरूप नहीं है और कटाफटा है। माही बेसिन की ऊंचाई 150 से 360 मीटर है। इसका मध्यवर्ती और पूर्वी भाग उपजाऊ है तथा पश्चिमी भाग पहाड़ी है। इस मैदान का ढाल दक्षिण में गुजरात राज्य की ओर है। चौथा और अंतिम भाग है बाणगंगा बेसिन। यह मैदानी प्रदेश बाणगंगा और उसकी सहायक रूपारेल नदियों द्वारा प्रवाहित होता है। इसके उत्तर में अलवर की पहाड़ियाँ, दक्षिण में बनास बेसिन, पूर्व में यमुना का मैदान और पश्चिम में मध्य अरावली की पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। इसके अंतर्गत जयपुर, दौसा, उत्तरी पश्चिमी सवाई माधोपुर और भरतपुर जिले के मैदान शामिल हैं। इस मैदानी प्रदेश में दोमट और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह संप्राय मैदान है।